गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. और आज की वीडियो है, आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव. ये सब्सक्राइबर व्यू ये सब चीज़ का नंबर नहीं मैटर करता है. व्हाट रियली मैटर्स टू मी इज़ द लव दैट यू ऑल गिव मी. सो मेनी ब्यूटिफुल मैसेजेस गाइज, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. और आज की वीडियो जो है खास करके इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि मैम आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए जो भी है. तो आई डोंट रियली नो हाउ टू व्लॉग, दिस इज़ लाइक माय फर्स्ट ट्राई. आई जस्ट शो यू हाउ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई और एंड आई एम नॉट फ्रॉम पुणे, आई एम प्रॉपर मुंबई का. ओके सो आई जस्ट शो यू हाउ आई विल बी गोइंग एंड आई एम शोइंग यू दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू गाइज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम ट्रैवल टाइम जो लगता है वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगी. एंड ऑल्सो आई एम जस्ट स्टैंडिंग, आई एम वेटिंग फॉर द रिक्शा. ओके और लाउड. ऑलराइट सो दैट्स द रिक्शा राइट देयर. ओके 9089 ले लिया ना आपने OTP? ठीक है. ओके बाय बाय पुणे. पुणे इज एक्चुअली क्लीन सिटी. आई डोंट रियली लाइक इट, बच्चा कितना भी कचरा हो रहा हो सबको इन दी एंड वही ही पसंद आएगा. सी एवरीथिंग, आई मीन द स्ट्रीट्स एंड एवरीथिंग आर लाइक सो क्लीन. मला पलीकडे सोडा, त्या बाजूला पलीकडे. तो ये जो है ब्रिज है इसको हिंजवाड़ी ब्रिज कहते हैं. And this place is called वाकड. और यहाँ पे जो है ना सारी बसेस आती हैं यहाँ पे, मतलब हिरकनी शिवनेरी वगैरह ये सारे भी ऑप्शंस हैं बसेस से जाने के. बट यू नो बस बीच में खाने पीने के लिए स्नैक्स के लिए लोगों को चाहिए रहता तो हॉल्ट ले सकती है. तो अगेन दैट इज़ नॉट रियली यू नो शॉर्टेस्ट ऑप्शन. 4-5 घंटे तो लग ही सकते हैं आराम से. ठीक है तो ये जो रास्ता जो आप देख रहे हो ना स्ट्रेट जा रहा है वो अंदर पुणे में, मतलब ऑन या फिर अलग अलग जगह पे जो भी लोग हैं रहते हैं ना अंदर अंदर पुणे साइड वो साइड में जाता है. और ये साइड वाला रास्ता जाता है हिंजवाड़ी आईटी पार्क जहाँ पे सारी आईटी कंपनी वगैरह है. एंड दिस वन गोज यू नो स्ट्रेट टू बैंगलोर और वगैरह रत्नागिरी एंड ऑल दैट. एंड द वन ऑन द लेफ्ट दिस वन गोज टू माई होम टाउन मुंबई. ओके सो लेट्स सी व्हिच इज द शॉर्टेस्ट रूट. ओके एक्चुअली बहुत धूप है यहाँ पर, बट मैंने एक्चुअली एक मिनट के लिए आपको ये कहना चाहती हूँ कि डिपेंड करता है कि आप पुणे से जो है किस साइड से आ रहे हो. आप अगर एयरपोर्ट साइड से वगैरह आ रहे हो तो आपको स्टेशन से नज़दीक पड़ेगा, लेकिन ट्रेन भी यार ज़्यादा नहीं, ट्रेन भी मतलब 4-5 घंटे लग सकते हैं ट्रेन से. एक बार मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया था 6 घंटे लगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया ट्रेन से ट्रैवल करना. बहुत कम ट्रेनें हैं जो कि 2 घंटे में पहुँचा सकती, वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण जा पाओगे उससे ज़्यादा नहीं. आई विल रीच मुंबई इन जस्ट 1 hour 30 minutes एंड आई विल शो दैट टू यू गाइस. और ये डिपेंड करता है कि मुझे गाड़ी कितने जल्दी मिलेगी. मुंबई एक्सिट भैया कितना लगेगा? मुझे जाना है वाशी, वाशी जाना है. हाँ ठीक है चलो. ओके गाइस सो इट्स अ प्राइवेट कार जो कि सबसे छोटा सा ऑप्शन है दैट विल गिव यू द लीस्ट ट्रैवल टाइम. और यू नो दे कैन चार्ज यू एनीथिंग फ्रॉम 300 to 350. ओके ही इज गिविंग मी अ फ्रंट सीट एज वेल. वाओ आई एम एक्साइटेड. एंड 350 या 300 यार बहुत कम ही है कंपेयर टू बस 400 एनीवे भरोगे 4-5 घंटा लगेगा. Alright, I've actually got the front seat and it depends where exactly you're going in Mumbai. So if you stay towards the western side, it may take like an hour more to your travel time. I'm just going to Vashi, so I think I'll be reaching in 1 hour. So, okay, we are gonna start right now and actually tied up my hair because it's very hot outside. And always put the seatbelt on, especially you know you have all these mountains and valleys in the way. गाड़ी से उतरवा दिया यार, इसे गैस भरना था इसलिए यार. आई हेट गेटिंग आउट ऐसे यार. काश इतने सारे झाड़ मुंबई में होते, कम से कम हवा थोड़ी क्लीन होती. ओके
ओके, तो यहाँ पर जो है गाड़ी अभी कुछ 5 मिनट के लिए रुकी है ताकि किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है, दे कैन गो, या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह लेने हैं, दे कैन टेक दैट. एंड आई एम एक्चुअली यूजिंग द बैक कैम बिकॉज अगर मैंने फ्रंट कैम यूज़ किया ना तो मेरे मुंह पे पूरी लाइट आएगी और पूरा वाइट दिखेगा फेस, कुछ दिखाई नहीं देगा. चाय वाय भी है यहाँ पे, बट यार मैं घर पे जाके मम्मा के हाथ की चाय पी लूंगी, यहाँ की चाय नहीं पीनी. ओके, दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स लाइक. आई वुड नॉट रियली रेकमेंड यू गाइस टू ईट फ्रॉम हियर बिकॉज इट डजंट लुक वेरी हाइजीनिक टू मी. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, इसी स्टाइल में बोलती है ना वो आंटी. ओके गाइज, आई जस्ट टुक अ कप ऑफ टी एंड आई थिंक I have to go and sit in the car because again he's gonna start the car and not. Alright guys, I have reached home and the travel time was 1 hour 35 minutes, which is really not bad. Otherwise, you know, आप देखोगे तो mostly लोगों को लग जाते हैं चार पाँच घंटे पहुँचने के लिए अगर ट्रेन या फिर जो ए सी वाली बसेस होती है ना उससे ट्रैवल करने में. सो द बेस्ट ऑप्शन आई वुड सजेस्ट यू गाइज इज द कार. एंड ऑल्सो अगर आप जो है थाने साइड वगैरह रहते हो, मीरा रोड या फिर एनी थिंग थाने साइड वगैरह, तो आपको जूही नगर उतरना पड़ेगा और फिर जूही नगर से आपको फिर वहाँ ट्रेन पकड़ के थाने एंड देन सो ऑनवर्ड्स, वहाँ से जो भी थाने के बाद से जाना है सबको पता रहता है. एंड जो या इससे मिल लो, से हाय टू माय कैट गाइस, यू नो आई फोर्स्ड हिम टू कम इन द वीडियो, लिटरली सी आई एम फोर्सिंग हिम. ओके, यू सेड हाय ना, गो बाय बाय. Okay, maybe I'll try to get him in the next video, but this is all I wanted to say. The main purpose of making this video was to show you guys the shortest route, and Mumbai to Pune is one of the busiest routes. It's like people travel every day. So ye tha, aur agar aap Mumbai mein and jo ya isse mil lo, okay, say hi to my cat guys, you know I forced him to come in the video, I'm literally see I'm forcing him. Okay, you said hi na, go bye bye. Okay, maybe I'll try to get him in the next video, but this is all I wanted to say. The main purpose of making this video was to show you guys the shortest route, and Mumbai to Pune is one of the busiest routes. It's like people travel every day. So yeah, tha, or, and if you stay in the western suburbs and all of Mumbai, then you will have to get down at Vashi. या फिर कार वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे दो, बोलना कि थोड़ा आगे वेस्टर्न साइड तक के जाना है. अदरवाइज इफ यू स्टे इन द सेंट्रल साइड लाइक मी, देन यू कैन जस्ट गेट डाउन एट Vashi, टेक अ रिक्शा एंड गो. आई हैव रीच्ड फ्रॉम पुणे टू मुंबई इन 1 hour 40 minutes गाइज. दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू से फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज. अगेन लॉट्स ऑफ लव टू यू. अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगी तो कमेंट करके प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक किए बिना तो नहीं जाना. आई विल सी यू.